उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेड एसोसिएशन के 12वें अधिवेशन में भाग लिया। उन्होंने एसोसिएशन के एजीएम और बीटा प्लानर्स डायरी का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार उद्योग के क्षेत्र में काम चल रहा है, वहीं आने वाले समय में बिहार में काफी संख्या में उद्योग लगेंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि अब बिहार में बनने वाले प्रोडक्ट को मेड इन बिहार लिखा जाए। हमारे समक्ष मैं उन बच्चों को बुलाना चाहूंगी, मैं आग्रह करूंगी वो बच्चे आए। जी हाँ, हमारे साथ ये जो बच्चियाँ हैं, रूपा दे, अंकुशा घोष, इच्छा, शुभश्री मिश्रा, जनरल मीटिंग और डायरी प्लानर लॉन्च किया। जी हाँ, और इस डायरी को लॉन्च किया जा रहा है, इसका विमोचन किया जा रहा है। ये पूरे इलेक्ट्रिक व्यापारी जो क्षेत्र है आलोक, आप तमाम लोगों से कृपया सब लोग नेशनल एंथम के लिए प्लीज खड़े हो जाएं। मंचों से अतिथियों से भी आग्रह है कि नेशनल एंथम के लिए हम सब खड़े हो जाएं। व्यापारियों को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक मंच दिया है, जहाँ से सब अपनी बात जो है सब लोगों तक पहुँचा सकते, चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे वो जनता की बात हो, या उन लोगों का इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन प्लानर राइट 2022 एंड 2023। जी हाँ, ये 12वां संस्करण है इस गाड़ी का। हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें अपने इष्ट को याद करते हुए, और मीडिया के जितने भी बंधु हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगी आप लोगों से कि थोड़ी सी जगह दें प्यारी बच्चियों को। बहुत कहते हैं कि जब ऐसे ऐसे लोग मंच पर मौजूद हो तो कहते हैं कि जो खूबसूरत जो दिल होता है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जी हाँ, सारे हमारे बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों के लिए भी। और ये दीपक जो है प्रकाश का दीपक है, कहता है कि जितना भी अंधकार क्यों ना हो, अपने अंदर जो आपके अंदर प्रकाश विद्यमान है, उस प्रकाश को लेकर आप आगे बढ़ें, उस प्रकाश को देखते हुए आगे बढ़ें, निश्चित तौर पर आप अपने मुकाम तक एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। और ये बहुत जरूरी तब हो जाता है जब आपको लगता है कि परिस्थितियाँ अब आपके अनुकूल नहीं है। जी हाँ, हमने कोरोना के वेव्स देखे हैं, हमने देखा कि कैसे पूरा विश्व रुक गया था, ठहर गया था, तब हम सब के अंदर